हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास विच ऑर्गेनाइज बाय कृष्णा मेमोरियल हाई स्कूल क्लास टू। आज मैं आपको मैथ समझाऊंगी, मैथ पेज नंबर 112। ठीक है, आप अपना अपना 112 पेज नंबर निकालिए, मैं आपको समझाना स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा। डेज ऑफ द वीक, ठीक है, डेज ऑफ द वीक मतलब सप्ताह के जो दिन होते हैं उनके बारे में ये है। आज उनके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पे दिया गया है डैश देयर आर 7 days इन ए वीक। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 days। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 days। टू नंबर, डैश इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। सप्ताह का सबसे पहला दिन कौन सा होता है? संडे। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो क्या होगा? संडे। सी नंबर, डैश इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक। फिफ्थ डे मतलब फाइव नंबर पे कौन सा डे आता है? संडे मंडे पढ़ के हम लोग देखते हैं तो थर्सडे। तो क्या आएगा? थर्सडे इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक। डी नंबर, डैश इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। सबसे लास्ट डे कौन सा आता है? सैटरडे। सैटरडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। डैश इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक। फोर नंबर पे कौन सा डे आता है? वेडनेसडे। वेडनेसडे इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक। अच्छा, एफ का होगा डैश इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक। सेकेंड डे कौन सा आता है? मंडे। सेकेंड डे कौन सा आता है? मंडे। मंडे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक। ओके, इसी तरह से आपको बाकी वाला भी करना है। ये पेज नंबर 112 का। अब हम लोग 113 में जाएंगे, ठीक है। 113 में है मंथ ऑफ द ईयर। इसमें हम लोग डेज पढ़े हैं, इसमें हम लोग अब मंथ पढ़ेंगे, मंथ के बारे में समझेंगे, ठीक है। मंथ यानी जनवरी फरवरी। कितना मंथ होता है हमारे? टोटल 12 मंथ होते हैं, ठीक है। हमारे कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। फिल इन द ब्लैंक, डैश इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। सबसे पहला महीना कौन सा है हम लोग का ईयर का? फर्स्ट मंथ जनवरी। तो क्या होगा? जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। डैश नॉर्मल ईयर हैज डैश डेज। नॉर्मल ईयर कितना होता है? ईयर में कितना डेज होता है? 365 days। 365 days होता है। ए लीप ईयर ईयर है, लीप ईयर अगर लगता है तो कितना डेज होता है? 366। ए लीप ईयर हैज 366 days, ठीक है। मार्च हैज डैश डेज। मार्च में कितना डेज होता है? इधर देखिए 31। मार्च में कितना डेज होता है? 31 days। नवंबर हैज डैश डेज। नवंबर में कितने होते हैं? 30। नवंबर में कितने डेज होते हैं? 30। अच्छा, डैश इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। सबसे लास्ट मंथ कौन सा होता है हमारा? दिसंबर। दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। डैश कम इन बिटवीन मार्च एंड मई। मार्च और मई के बीच में कौन सा महीना आता है? अप्रैल। ओके, अब मैं आपको 112 और 113 समझाई हूँ। अब हम आगे नेक्स्ट पेज जाएंगे। पेज नंबर 126। पेज नंबर 126। ऐड द फॉलोइंग। देखिए इसमें क्या है, ऐड करना है केजी, किलोग्राम, केजी और ग्राम। तो यहाँ पे क्या है? ग्राम 170 और 120। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे किस तरह से इसको प्लस करेंगे? 00 कितना होता है? कुछ नहीं होता, इसलिए 0। 72 कितना होता है? 72 होता है 9। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे? 9। 1 और 1 क्या होगा? 2। ओके, अच्छा नीचे देखिए, ई में 00 तो 0 ही होगा। 4 और 1 कितना होता है? 4 और 1 होता है 5। अब 1 और 1 क्या होगा? 2। तो यहाँ पे 2 लिखिए। अब इधर ग्राम हो गया, इधर है केजी। 5 और 1 7 और 1 कितना होगा? 8। और 1 और 1 2, तो कितना होगा? 17 kg 140 g प्लस 11 kg 110 g, तो टोटल कितना होगा? 28 kg 250 g, ठीक है। इसी तरह से आपको देखिए एफ नंबर भी मैंने किए हैं, मैं आपको बता रही हूँ। इधर एफ नंबर 0 पहले किया है केजी और ग्राम, 28 kg 240 g
12 केजी 141 ग्राम। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, 0 और 1 के तो क्या होगा 1, 4 और 4 8, 2 और 1 कितना होता है 3, 2 8 और 2 कितना होता है 10, 10 का यहाँ पे मैं कैरी करेंगे 1 ऊपर में, 1 इधर कैरी किए हैं, 2 और 1 कितना 3 और इसका 1 जो है हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा 4, यानी 40 केजी 381 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी वाला भी करना है 126 पेज नंबर का। अब हम नेक्स्ट पेज नंबर 129 में जाएंगे। 129 प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम ऑन एडिशन ऑफ वेट। हम लोग इसको इसी तरह से देखिए, यहाँ पे दिया गया है व्हाट प्रॉब्लम। रजनी ब्राउड 3 kg 250 ग्राम शुगर एंड 2 kg 150 ग्राम सॉल्ट। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द बोथ द थिंग्स। तो इसमें से शुगर कितना खरीदी, वो शुगर खरीदी 3 kg 250 ग्राम और सॉल्ट खरीदी 350 ग्राम और सॉल्ट खरीदी 3 kg 250 ग्राम और सॉल्ट खरीदी 2 kg 150 ग्राम। तो इसमें टोटल कितना आया 5 kg 400 ग्राम। ठीक है, अच्छा 2 नंबर देखिए। ए फ्रूट सेलर सोल्ड 27 kg 500 ग्राम एप्पल्स इन द मॉर्निंग एंड 22 kg 250 ग्राम इन द इवनिंग। हाउ मच एप्पल्स डिड ही सेल इन द होल डे। एक फ्रूट सेलर जो था, फल बेचने वाला, वो दिन मॉर्निंग सुबह में 27 kg 500 ग्राम एप्पल्स बेचा और इवनिंग यानी शाम में 22 kg 250 ग्राम बेचा। तो टोटल कितना बेचा, तो ये है मॉर्निंग का और ये है इवनिंग का। तो 27 kg 500 ग्राम और 22 kg 250 ग्राम, तो टोटल कितना आएगा इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो 0 का 0, 5 के ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 का तो 5 ही होगा। 5 और 2 कितना होता है 7, तो यहाँ 7 होगा। 7 और 2 कितना होता है 9 और 2 और 2 4, यानी 49 kg 750 ग्राम। टोटल कितना उसने बेचा पूरा फुल फ्रूट 49 kg 750 ग्राम। ओके, आपको जो मैं चैप्टर समझाई आपको समझ में आ गया होगा पेज नंबर। आप इस पेज को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा घर पे, ठीक है।